हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं ऑफ लियो सिंह राशि फ्रॉम 15th of June to 30th of June। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लिखा पे ध्यान ना देते हैं, ध्यान किस पे, ध्यान एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है इसकी एनर्जीज आपके साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो टेक इट, अदरवाइज लीव इट। लेट्स स्टार्ट इट। लियो किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंजल्स इन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स इन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी, किंग ऑफ सोर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। मुझे एक्चुअली आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज के कंसर्न में भी हो सकता है कि अगर फर्स्ट स्टोरी देखें तो हो सकता है कि आपकी आप मैरिड हों एंड आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या आपको उनको चीट करते हुए पकड़ा है। एंड राइट नाउ जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल ही उल्टी पुल्टी हो गई है, उलट पुलट गई है। हो सकता है आप सेपरेशन फेस कर रहे हो एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हों, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो एंड करंटली भी आपकी वही सिचुएशन चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सूरज है और उस पर ग्रहण लगा हुआ है, तो आप इमोशनली बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हार चुके हैं एंड अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने पार्टनर से दूर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वक्त पलटे, कब पलटेगा एंड ऑल। इस सब चीज़ें होने के बाद भी आपकी आँख पे मैं देख सकती हूँ कि पट्टी बंधी हुई है एंड यू आर नॉट रेडी, मीन्स आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, कि ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है या ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे किड्स भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे हों जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एंड ये जिसकी भी रीडिंग है उसके लिए मुझे 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी बर्थडे 10 हो या आपके पार्टनर की बर्थडे 10 हो या आपकी एनिवर्सरी 10 पे पड़ती हो या आपका बर्थ डेट नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर 10 हो। अगर ये आप हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एंड 1 नंबर भी मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। सो 1 नंबर एंड 10 नंबर आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टोरीज ऐसी मिल रही हैं कि किसी ने चीटिंग किसी ने तो चीट किया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है पूरी उथल पुथल हो गई है, आपकी फैमिली ब्रेक हो गई है एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव एंड फॉरगेट योर पार्टनर, जिसकी वजह से आप इमोशनली उनसे वॉक अवे कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए या एज चिल्ड्रन इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं या आपको एक चांस देना चाहिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब टाइम पीरियड है ये आपका फ्रॉम 15th of June to 30th of June। ये बेसिकली आपकी लव रीडिंग है इन स्पाइट ऑफ योर बिजनेस रीडिंग। तो फिलहाल तो आप मुझे कंफ्यूजन में एंड मेंटली डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वाटर साइन का, वाटर एलिमेंट का लग रहा है। अगर आपका जिसके भी कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो एक वाटर एलिमेंट है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एक मेरे को आपका जो पार्टनर, आपका जो पार्टनर का जोडियक है वो टॉरस या लियो हो सकता है। मुझे टॉरस एंड लियो की एनर्जी थोड़ी
स्ट्रांग मिली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट लियो। वैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के कंसर्न में बात करूं तो 14th of June को राहु जो है हमारा भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है, तो उसके कंसर्न से मैं आपसे यही कहूंगी कि जनरली आप का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से तो कहा जाएगा कि बहुत ही भैया भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको एंड प्रे करना चाहिए। बट एज राहु जो है एंड भरणी नक्षत्र जो है वो यम का घर है, यम उसके देव हैं, तो आपके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि धार्मिक होना अच्छी चीज़ है, बट अपने धार्मिक मतलब ज़्यादा धार्मिक होना भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मतलब उसे एक रूटीन मत सेट कीजिएगा, क्योंकि राहु इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग रूल्स। राहु जो है इच्छाओं का, चाहतों का घर है, उसको जो है सिंक्रोनिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको एक स्केड्यूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप डेली मंदिर जाते हो या आप डेली पूजा करते हो तो किसी दिन शाम की कर लो, किसी दिन दिन की कर लो, डेली मंदिर जाते हो एक दिन स्किप कर दो, तो आपका जो भी स्केड्यूल है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जिस भी रिलीजन के आप हों, तो उस पे आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा जो है एक शफल ज़रूर लें, जिससे आपको राहु परेशान ना करे इस नक्षत्र में आने के बाद। That's all I have for you, Leo. Thank you so much and all the very best.